हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सीजीएल के लिए तो आपको बहुत ही तगड़ी वाली प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सीजीएल में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की क्लास का। यहाँ पे बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू सेकेंड। यानी कि फर्स्ट टर्म का कनेक्शन या रिलेशनशिप सेकेंड टर्म के साथ जिस हिसाब से दिया है, वैसे ही हमें बताना है कि फोर्थ टर्म का कनेक्शन थर्ड वाले टर्म के साथ, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा नंबर वो कौन सा होगा, यही फाइंड आउट करना है। इन दोनों का रिलेशनशिप तभी पता चलेगा जब हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रिलेशनशिप पता चलेगा, एंड उसका क्रॉस चेक होगा फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म के साथ। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि थर्ड टर्म यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला वैल्यू कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पर दिया है आपको 16 का कनेक्शन 96 के साथ। तो 16 का क्या रिलेशन हो सकता है 96 के साथ? एक तो ये हो सकता है कि 12 का 8 जा 96 होता है। यहाँ पर 12 का 8 टाइम्स में 96 आता है। 16 को 12 बनाने के लिए हमें इसमें करना होगा -4। 16 में हम करेंगे -4 तो 12 आएगा, और 12 का 8 टाइम्स 96 आएगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पर सेम चीज़ फॉलो हो रही है दूसरे गिवन टर्म में। यानी कि 18 का अगर हम -4 करते हैं तो हमें मिलेगा 14, और अगर हम 14 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 112, जो कि 120 तो नहीं है। मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं हो सकता। सो हमें करना होगा, हमें सोचना होगा कुछ और यहाँ पर। सो कुछ और में क्या यहाँ सोच सकते हैं हम? सो आपको साइमल्टेनियसली देखना होता है कि क्या पैटर्न्स जो हैं वो दोनों पे लागू हो रहे हैं कि नहीं। अब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, 12 का टेबल तो नहीं, लेकिन 16 के टेबल को अगर 16 × 6 करेंगे तो 96 होता है। सो अगर इसको डायरेक्ट ये से कर देंगे तो 18 × 6 करने से फिर हमें क्या आएगा, 108 आएगा। सो यहाँ पर फिर से ये 120 है, 108 तो नहीं है। सो ये वाला पैटर्न रॉन्ग जाएगा। पर यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, 18 का 6 टाइम्स में 108 आ रहा है, और 18 का 7 टाइम्स में हमने देखा कि इंटू 7 किया तो 126 आएगा। इसका मतलब हमें 18 में 6 के बाद का, लेकिन 7 से पहले वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो मीडियम में रहेगा तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। सो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना है यहाँ पे पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 चाहिए हमें, बेसिकली 16 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 96 आता है। अब ये 6 लाने के लिए यहाँ पर और कितने टर्म हो सकते हैं? सो ये 2 3 6 होता है, 3 2 6 होता है, 6 3 18 होता है, 3 6। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक चीज मिल रही है कि ये 6 को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ये 16 हमारा 8 टर्म है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, 18 में अगर हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 3 6 18, यहाँ पर 6 मिल जाएगा हमें। तो ये 6 कैसे आएगा हमें, हमने 18 लिखा, पर 18 कैसे हो जाएगा, 16 का 18 करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे +2। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है वो ये है कि पहले हमने 16 लिखा, 16 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, और ये 6 कैसे आएगा, ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 3 से, और ये 18 कैसे आएगा, तो ये आएगा 16 + 2 करने से। इस तरह से 16 का 6 से मल्टीप्लीकेशन आएगा 96। सो इस तरह से ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, पहले करना है a, और a का इंटू करना है a + 2 का डिवाइडेड बाई में 3। सो इससे हमें मिल जाएगा हमारा बी टर्म। सो फाइनली जो फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है वो इस तरह से है। तो इस तरह से होने से अभी चेक करेंगे यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसका। सो यहाँ पर है 18, राइट। सो यहाँ पर है 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से ज्यादा लेकिन 7 से कम, यानी कि 6.5 इस हिसाब से है ना, तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, 18
प्लस टू करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 प्लस टू किया तो 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाई में 3 करेंगे, सो इससे क्या होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 6 18 आएगा यहाँ पर, और फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर से 3 6 18 आएगा, फिर से 3 6, तो ये 66 का कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहेगा, तो 6 1 6 6 आएगा। अब इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 18 × 6.66, सो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 119.88। So, ये 8 से ये 9 का नेक्स्ट नंबर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 119 का 120। सो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 120। सो इस तरह से यहाँ पर आएगा 120, जो कि यहाँ पर वही रिलेशनशिप है। सो हमें पता चला कि 16 का रिलेशनशिप 96 के साथ और 18 का रिलेशनशिप 120 के साथ किस हिसाब से, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला है। तो अभी हमें इसको पुटा करना है अपने क्वेश्चनेबल टर्म पे, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चनेबल टर्म में यही फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी जो हमें फॉर्मूला मिला है वो ए के साथ वर्क करके बी पे जाना है, और जो हमें क्वेश्चनेबल टर्म दिया है वो ए के साथ में ही दिया है, यानी कि फिर से यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमारा वर्क सारा ए पे होता है लेकिन हमें बी का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर बी दिया है 161, सो हमें यहाँ पर रिवर्स वे में जाना होगा। सो सीजीएल के क्वेश्चंस में हमने देखा कि ज्यादातर ऐसी होता है, आपको जो भी फॉर्मूला मिलता है वो उसको आपको रिवर्स वे में जाना पड़ता है, तो जब भी ये रिवर्स वे करते हैं तब तो 161 का क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा वाला वैल्यू आएगा, इसके लिए हम अभी चेक करेंगे ऑप्शंस को। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो हो रहा है इस फॉर्मूला को। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, 22 दिया हुआ है, 22 को मल्टीप्लाई करना है a प्लस टू, यानी 22 में 2 को प्लस कर देंगे 24/3 आएगा, 24/3 का क्या हो जाएगा, 3 8 24 होता है, यहाँ पर 8 आएगा, इसका मतलब 22 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, जो 22 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो जल्दी जल्दी से, सो 8 2 16, 6 बचा कैरी 1 एंड 8 2 16 अगेन और 1, सो 176 आता है, क्या यहाँ पे 176 है, नहीं, सो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होएगा। अभी हम चेक करेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन को, सो सेकेंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं क्या सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पर दिया है 21 × 21 + 2 यानी कि 23/3 हो जाएगा, सो 3 7 21, उसके बाद में पॉइंट आएगा, फिर 20 हो गया, 2 का 0, सो 3 6 18, फिर से वही 2 पॉइंट, फिर से 3 6 18, तो इस तरह से 6 6 का कंटिन्यू हो जाएगा, सो 7.66 आएगा। सो 21 को 7.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 160.86। सो इस 160.86 को राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 161। सो इस तरह से 161 आ रहा है यहाँ पर, मतलब 21 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को देख लो दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्थ टर्म के का रिलेशनशिप थर्ड टर्म के साथ कैसे है, उसका रिलेशनशिप उसके साथ उसी हिसाब से है जिस हिसाब से सेकंड का फर्स्ट के साथ में है और सिक्स्थ का फिफ्थ के साथ में है। तो पहले यहाँ पर देख लेंगे हम एट का रिलेशनशिप 48 के साथ में, और साथ साथ में हम यहाँ पर 15 वाला रिलेशनशिप जो हमें क्रॉस चेक करना होता है उसको भी देखेंगे। सो 15 का 195 के साथ का रिलेशनशिप, एक तो बहुत ही इजी सा 6 8 6 48 होता है, इंटू 6 किया, सो 15 को 6 से इंटू किया तो 195 होएगा, बिल्कुल नहीं, 15 को 6 से इंटू किया तो सिर्फ 90 होता है। सो ये वाला पैटर्न तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, और ऐसा इजी वाला फॉर्म नहीं आता है सीजीएल के एग्जाम में, तो कुछ और सोचते हैं अभी 48 को कैसे और कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं कि 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करने से हमें 64 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा, सो 14 में से 8 गया 6,
और फिर 5 में से 4 गया, यहाँ पर हो गया 1, सो 16 आ रहा है इसका डिफरेंस, यानी कि हमें इसमें 64 में यानी कि 8 का जो स्क्वायर हमें मिला इस 16 को माइनस करना है। ये 16 कैसे बनेगा, 8 into 2। सो ये क्वेश्चन को देखते हुए हमें याद आ रहा है कि हमारी पिछली वाली क्लास में सेम पैटर्न हमने सॉल्व किया है, इसी पैटर्न पे पूछा गया था वो भी एक क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे हमने करना है a का स्क्वायर माइनस a इंटू टू, सो इस तरह से हमें आ जाएगा b वाला टर्म। सो ये पैटर्न ध्यान में रखिए दोस्तों, ये पैटर्न रिपीट हुआ है, अभी हमारे 3 क्लास में ही ये पैटर्न रिपीट हो गया, इसका मतलब सेम पैटर्न आगे भी देखने को मिलेगा, या a का क्यूब में माइनस a इंटू टू हो जाएगा, या a इंटू फोर, कुछ और भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना है कि इस तरह का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं, सो यहाँ पर होगा 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 225। अब इसमें हमें माइनस करना है 15 का 2 टाइम्स यानी कि 30, सो 225 में हमने 30 को माइनस किया तो 5 का 5 आ गया, और 2 यानी कि 12 में से 3 गया, 9 आ गया, और यहाँ पे 1 है, सो इस तरह से 195 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दिया, एक तो ये रिपीटेड पैटर्न है और दूसरा ये जो पैटर्न है वो इन दोनों गिवन टर्म पे फॉलो हो रहा है। अभी हमें देखना है कि हमें इससे आंसर कौन सा वाला आने वाला है, कौन सा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर हमें फिर से यही चीज दी गई है कि हमें वर्क करना है ए के साथ, पर हमें बी टर्म दिया हुआ है यानी कि 143 दिया है, और जिसके साथ वर्क करना है वो क्वेश्चन मार्क में है। सो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने ऑप्शन के थ्रू चेकआउट करना होगा। चेकआउट मतलब आप अपनी फ्लाइट के लिए चेकआउट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ सॉल्यूशन के लिए चेकआउट कर रहे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, 13 का हम स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर किया तो हमें आया यहाँ पे 169, इसमें हमें माइनस करना है 13 2 जा 26, सो 169 में 26 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिला 143। सो यस, ये 143 जो है यही है यहाँ पर रिलेशनशिप, सो मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर हमें दिया गया है फोर्थ का कनेक्शन थर्ड के साथ में हमें फाइंड आउट करना है। सो अभी अपनी बना लेती हैं दो पार्टीशन वाली मार्जिन, एक जगह पे हमें चेक करना है 83:3 के बीच का रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ हमें चेक करना है 258:4 का रिलेशनशिप। सो 3 को 83 कैसे बना सकते हैं, सो 3 को इंटू 3 किया हमें मिला 9, और 9 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 81, और 81 में प्लस 2 किया तो हमें मिला 83। सो इस तरह का लॉजिक बन रहा है, इसको यहाँ पर चेक करते हैं, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमें मिला 12 का स्क्वायर किया 144 में प्लस 2 करेंगे तो 146 होएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो ये जो फॉर्मूला इस तरह से हम निकालने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों पैटर्न पे नहीं बैठ रहा है, सो ये रॉन्ग है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, तो 3 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, 81 में प्लस 2 किया 83 आया, 4 को उसी के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 हुआ, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 256 में प्लस 2 करेंगे तो 258 आ जाएगा। अरे वाह, सो ये लॉजिक सही चल रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर जो हमारा ए टर्म है वो कैसे आएगा, उसके आने के लिए हमें हमारे बी टर्म को, सो बी को बी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके प्लस 2 करना है, ये सारा वर्क बी में करने से जो आंसर आएगा वो ए होगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा ए। आई होप समझ में आया आपको। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें जो बी टर्म दिया उसको उसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद में उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर के बाद में उसको प्लस 2 कर देना है। सो 4 4 का हमें मिला 16 16 का स्क्वायर करने से हमें मिला 256 256 प्लस 2 किया तो हमें मिला 258। लेट्स गो टू द क्वेश्चनेबल टर्म, फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 5 का रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क के साथ, हमारा ज्यादातर काम जिस साइड पे है वही नंबर हमें दिया गया है, सो
सो हमें यहाँ पे करना है पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 5 5 आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करने से हमें मिलेगा 625 में हम प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 627, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी 627। कैसे हुआ यहाँ पर? सो फर्स्ट स्टेप में आपने किया 5 का इंटू 5 से आपको आया 25, सेकेंड स्टेप में आपने किया 25 का स्क्वायर, सो 25 का स्क्वायर करने से आपको वैल्यू आई 625, और फिर थर्ड स्टेप में आपने करना था 625 का प्लस 2, सो 625 का प्लस 2 किया तो आपको यहाँ पर आ गया कितना, 5 में प्लस 2 7, सो 627, ये ही वो वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू आनी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया, और अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से आपको ढूंढना होता है, चाहे आपको एक टर्म दिया हो फाइंड आउट करने के लिए और दूसरा क्वेश्चनेबल टर्म, या आपको दो गिवन टर्म दिए हो फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट करके चेक करने के लिए, और उसके बाद में आपको क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ जाना होता है। सो एक दिया हो या दो दिया हुआ, बेसिकली द थिंग इज आपको पैटर्न ढूंढ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 21 का रिलेशनशिप दिया है 445 के साथ में। अगर आपको अपने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अच्छे से आते हैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही ये समझ में आ रहा है कि 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 441, और 441 से 445 की तरफ जाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो 21 का स्क्वायर किया 441 आया, इसके बाद 441 को 445 बनाने के लिए हमने इसमें कर दिया प्लस 4। तो कभी कभी इजी भी आ जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। सो अब आपको आपका पैटर्न मिल गया है, कोई चेकआउट करना नहीं है, तो अब हम क्वेश्चनेबल टर्म पे जाएंगे। सो वहां पे हमें करना है 24 का हमने स्क्वायर कर देना है, 24 का स्क्वायर किया 576, और फिर 576 में हमें कर देना है प्लस 4, सो 576 में प्लस 4 किया तो 76 का प्लस 4 हो जाएगा 80, सो 580 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 580 हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस हमें बहुत पहले देखने को मिले थे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको 2021 के सीजीएल के पेपर में देखने को मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको बस एक ही गिवन टर्म दिया है, उसी का पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है। सो 223 का कनेक्शन 350 के साथ किस हिसाब से बन रहा है ये चेक कर लो। सो ये बहुत ही अटपटांग और वियर्ड सा नंबर दिया हुआ है हमें, और इसका हमें रिलेशनशिप पता करना है। तो 223 का हमें एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 225 में 5 से 3 पे जाने के लिए हमने यहाँ पर किया -2, तो 225 में -2 किया हमें मिला 223, जो कि होता है ये वाला टर्म। सो इस तरह से हम 350 तक भी पहुंच सकते हैं, हमें ऐसे ही कुछ माइनस करना है। तो इस चीज को चेक करने के लिए अब हम चेक कर लेते हैं 519 के साथ में। सो यहाँ पर चेकिंग इज नॉट जस्ट लाइक, यहाँ पर जो चेकिंग करनी है वही आंसर भी साथ में निकल जाएगा। सो 519 के लिए क्या हो जाएगा, 519 के आसपास का जो हमारा स्क्वायर रूट बनता है वो क्या आता है। सो 519 के लिए कोई भी नहीं है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा 529, लेकिन उसमें -2 करने से हमें 527 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। सो ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर नहीं होएगा, हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और बहुत ही तगड़ा सा। सो इस तरह से इसका आंसर नहीं आने वाला है। अगर इस नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2 किया 5 आया, देन 5 प्लस 2 किया 7 आया, यहाँ पर 7 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 5 प्लस 3 8, 0 का 0 हो जाएगा। सो 7 का नेक्स्ट नंबर 8 है। इसी तरह से अब ये देखेंगे कि 519 का क्या कनेक्शन आएगा। सो 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 5 15, यहाँ पर बन रहा है 15, यानी कि नेक्स्ट वाले का डिजिट सम होना चाहिए 16। ऑप्शन वाइज देख लो किसका 16 आ रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड 3 का 9 एंड 9 और 7 का यहाँ पर आता है 16, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो रहा है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, 64 का 10 5 15 आएगा, ये यहाँ पर 645 654, ये एक ही चीज है, ये भी 15 आएगा, और 6 8 और 7 को लेंगे तो ये आता है 21।
तो इस तरह से डिजिट सम करके हमें इसका आंसर फर्स्ट वाला यानी कि ए आंसर आ रहा है, इस तरह की लॉजिक। तो ये एक लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर हमें मिल गया 736 का आंसर। अब चलो देखते हैं कुछ और लॉजिक यहाँ पर इसको सॉल्व करने का, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है ना सीजीएल पेपर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कुछ और ट्रिक, ये करेक्ट आंसर पर यहाँ पर कुछ और पक्का हो रहा होगा। तो आप में से मेरे कुछ दोस्तों के दिमाग में हो सकता है वो डिजिट सम को ऐड करके इस तरह से आंसर तक पहुंच जाए, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक दूसरा मेथड भी आए। सो 223 का हमने यहाँ पर 15 का स्क्वायर करके किया, वहीं पे 15 का स्क्वायर ना करके अगर आप वहां पर 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब करने से हमें मिलेगा 216 और 223, ये दोनों आसपास के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 223 और 216 के बीच का डिफरेंस, यहाँ पर हमें मिलेगा 7। सो इसका मतलब हुआ 6 का क्यूब में अगर हम प्लस 7 करेंगे तो हमें हमारा आंसर यानी कि 223 हमारा ए टर्म मिल जाएगा। सम एन का क्यूब प्लस 7 हो जाएगा हमारा इस 2 के लेफ्ट साइड में, और फिर इसी को अगर हम राइट साइड में भी करें एन का क्यूब प्लस 7 तो क्या वो इसी तरह का होगा। तो 350 को लाने के लिए भी हमें यही सेम फॉर्मूला करना है। अब जैसे कि वो बहुत ही इजी टर्म में हमें क्या मिला था, 7 का नेक्स्ट नंबर हमें 8 मिला था डिजिट सम करने से, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसी एन क्यूब को प्लस 7 करते हैं तो यहाँ पर हम 350 के आसपास का नंबर यानी कि ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो आपको 343 मिलता है, ठीक है। 343 में अगर आप प्लस 7 करोगे तो आपको 350 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये एन क्यूब प्लस 7 जो है हमारे इस 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट साइड में जाकर इसका नया वर्जन थोड़ा सा आ जा रहा है। करना हमें सेम फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एन प्लस 1 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर n प्लस 1 का क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया कि 223 का रिलेशनशिप 350 के साथ में किस हिसाब से है। सो समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन क्यों कहते हैं, सीजीएल में इसी तरह का आता है। आपको इस तरह नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इनके रिलेशनशिप या तो एक फॉर्मूला पे या तो इस तरह से सेपरेट फॉर्मूला पे भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, इसीलिए आपको एग्जाम से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनेबल टर्म की तरफ। तो क्वेश्चनेबल टर्म को फाइंड आउट करेंगे जल्दी जल्दी से कितना नंबर आएगा और वो कौन सा ऑप्शन होगा। सो वैसे तो हमें पता है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, बट लेट्स चेक आउट कि क्या वो ऑप्शन नंबर ए इस फॉर्मूला को फॉलो करके भी सेम आंसर आता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर है 519 के आसपास का क्यूब कौन सा होता है। सो यहाँ पर आता है 8 का क्यूब, और इसको हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 7। 8 का क्यूब प्लस 7 इज नथिंग बट यहाँ पर होगा 8 का क्यूब 512 प्लस 7 519। इस तरह से हमें मिला ये वाला नंबर। अब हम इसके राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर हमें करना है ये n का क्यूब ही है, ये n वाला नंबर हमें लेना है, यानी कि ये 8 नंबर आ जाएगा इस तरफ में। सो इस तरफ में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का प्लस 1 यानी कि 9, और 9 का क्यूब इसके साथ में प्लस 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन में आ जाएगा ये 8 प्लस 1 यानी कि 9, 9 का क्यूब प्लस 7। अब 9 का क्यूब होता है 729, 729 में 7 को प्लस किया, हमें यहाँ पर मिला 736। तो ये इस पैटर्न से भी वही आंसर आ रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बहुत ही सिंपल टर्म से डिजिट सम को करके हमें मिला था जो आंसर, वही आंसर है, सेम आंसर आया है हमें दो अलग अलग पैटर्न से। इस तरह के नंबरोलॉजी के क्वेश्चंस को एक से ज्यादा पैटर्न में भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उसी के लिए हमें पता होना चाहिए किस किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, किस किस तरह से हम सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
तो इस तरह से हमें लॉजिक बिठाना होता है हमारे गिवन टर्म में, वो दोनों एज ए इकट्ठे भी हो सकते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वो दोनों एज इस तरह से अलग अलग भी हो सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में एकदम डीट बच्चे जैसा वाला क्वेश्चन, तो डीट बच्चों को सुधारने का काम हमारा होता है, इसी तरह से डीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का काम आपका होता है। तो चलिए अब हम लेते हैं अलविदा आज के सेशन से, यहाँ पर खत्म होती है आज की हमारी ये क्लास, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।